जितना बने उतना आराधे। कहते हैं सरस्वत की कमाई करते हैं जितना उनसे बन जाता है उतना करते कोशिश करते हैं कि हमसे बने। मान लो कि नहीं बना तो विश्वास करते हैं संत हमने सही सच्चे पकड़े और कर रहे काम को। इनका नाम भेष तुम जानो प्रीत करो इन सेवा ठानो। और कहते हैं ये लोग जो है ये चौथे दर्जे के कहते भेष है। अब मान लो तुमको कहीं मिल जाए तो प्रेम से उनकी सेवा करो। खाना है कोई बस्तर है कोई उनको प्रेम करोगे तो उनकी सेवा से महत्व मिल जाएंगे। ये रास्ता रखा है बोलो। चाहे बस्तर रंग घर को छोड़े चाहे घर रहे मन को मोड़े। चाहे उन्होंने वो कपड़े छोड़ दिए और घर से चले गए बाहर मन को मोड़ रहे या घर ही में रह करके बाहर निकले तो साधन करते मन को मोड़ते। जिनकी नहीं धारणा ऐसी घर को छोड़े हुए परदेसी। अब कहते हैं कि जिनकी इसमें से कोई धारणा नहीं न वो जानते हैं कि सुरत संत क्या है न जानते साथ क्या है न जानते संत क्या है न जानते परम संत क्या है। कोई तो बस उन्होंने घर छोड़ दिया बच्चे छोड़ दिए काम काज छोड़ दिया और भेद बना लिया बाहर। इनका क्या होगा। कपड़े रंग बातें बहु सीखी जग को ठगे कहावे भेखी। कहते हैं कपड़े तो रंग लिए और बहुत सी बातें जान ली सीख ली और जग को जगत को ठगते भेख बना करते धोखा देते। कर्म लिखी वो भोगे अपनी भर मत फिरे पहन कर कफनी। अब कहते हैं महापुरुष कि कर्म के जो कुछ उनके लिखा है वो भोग रहे और वेश बना करके कफन बना करके बाहर घूम रहे। तो जब दूसरे को आप ठगोगे तो आप खुद ठग जाओगे। उनका नाम भेख नहीं होई वो पाखंडी जानो सोई। कहते उनका नाम भेख भी नहीं है भेष भी नहीं है उन शब्दों में कहते हैं पाखंडी। ना आपको सीधा रास्ता चला सकते हैं ना बता सकते हैं कुछ भेष जरूर है। तो आपने श्रद्धा की भेष है भाई चलो कुछ सेवा कर देंगे तो सेवा कुछ कर देते लेकिन आपको संतों के वचनों पर प्रीत है तो आपको वो फल मिलेगा। दीन गवाया दनिया खोई ना गिरही ना त्यागी दोई। कहते दीन ईमान तो खत्म कर दिया घर बार छोड़ा बाहर गए वो भी नहीं और घर में रहते हुए भी दोनों से है न उधर के रहे परमार्थ के न इधर के रहे स्वार्थ लोक के दोनों से हम जम के द्वारे धक्के खावे नरक पड़े चौरासी जावे। महापुरुष कहते हैं भाई क्या करें जो उन्होंने करनी की है जम के द्वारे गए धक्के खाते और जो कर्म किए हैं वो नरक तो नरक में जा करके भोगते। और हम जैसे कहते हैं कि भाई ये किराए का मकान है इसे तो खाली करना है तो आप इसमें पड़े हुए हो कि मेरा 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 मेरी जमीन मेरा मकान और मेरा ये और तमाम लोग लालच में पड़ते हैं और जमा किए हुए हो और शरीर से जब अलग कर दी तो सामान तो मिट्टी है
वो बड़ा ऑपरेट करता, न तुम्हारे वो काम आया नहीं काम आया, दोनों से गए। वो कहते हैं कि भाई नर्क पड़े फिर वहां धक्के खाते, अपनी लिखी जो करनी की है उसी को भोगती। रही जीवन बहुत सतावे, खावे पीवे और धमकावे। और ग्रस्त जो रहते हैं उनको खाते पीते और धमकाते, डराते हैं कि हम ये कर देंगे, हम करते हैं। ये धोखा हो गया, अपना निजी स्वार्थ हो गया धोखा। तो कहते हैं भाई अब जो उन्होंने तैयार कर लिया अपना मसाला कर्मों का, अब भोगेंगे। पूजा अपनी बहुत करावे, धन खेचे व्यापार बढ़ावे। पूजा अपनी कराते और धन खींचते और व्यापार चलाते। व्यापार आप सेवा करो, व्यापार चलाते। कोई ब्याज पर रुपया देगा, कोई कुछ करेगा, कुछ कुछ करेगा, ये साधु संत अपने को कहे, गृहस्थ बिचारे उनकी सहे। अब क्या करें, ये गृहस्थ उनको कहते कहते हम पार हम संत गृहस्थी क्या करें, और कहते हम तुम्हारा ये कर देंगे। अब वो तो बेचारा का समय आया तो बेचारा चल दिया, तो वो डरता है कि देखो शराब दे गया और मर गया, वो मरेगा तो नहीं, समय से ही मर जाएगा। जब समय पूरा हो जाएगा और सांसों की पूंजी खत्म तब जाएगी। तुम धोखा कभी मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धोखे में मत पड़ना। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख लखाया। मारे जीवों का सुनाया कि भाई इनका क्या होगा, तो इनकी तो गति हो नहीं सकती नर्क में, और संतों और साथ नहीं आते, और संत साथ ऐसी बात तो करते नहीं। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहु फंद लगाए। हाँ चौथे पाखंडी होते, पाखंडी पाखंड बहुत तरह के धंधे बातें इन गृहस्थों के सामने, तो बेचारे क्या करें घबरा जाते। गृहस्थी में कितना दम है बेचारे का, तो घबरा जाता तरह तरह के पास। सुनो सूरत अब कहूं बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। तुम ऐसा करो कि साध संत खोजो, हम तो उनसे कहते हैं कि लोगों से कहो कि साध संत की खोज कीजिए और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। जब आप खोजोगे तलाश करोगे कि हमको मिले तो बिल्कुल ही मिलेगा, वही पहुंच जाओगे आप। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। और जब वो मिल जाए और सही सच्चा रास्ता बताए तो फिर आप वो करो जो बताया, तुरंत सर्दी की कमाई करो विश्वास के साथ, प्रीत प्रतीत के साथ कमाई कीजिए। चरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन कर तन मन सब देना। भाई चढ़ना मिल प्रसादी आप और चरण पढ़ो तो दया मिलती रहेगी। दया तो मिलती है, दया में कोई कमी नहीं। आप दरवाजा अपना बंद कर लेते हो तो दया क्या करती, दरवाजे में खड़ी रहती है, लौट जाती। उनकी सेवा फल अति देई, सत लोक तू एक दिन ले। यह है कि तुम उनकी सेवा करोगे तो एक समय वक्त आ जाएगा कि तुमको अपना घर मिलेगा सत्य।
सेवा भाव के साथ अपना कर दीजिए। सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित में धरना। नित सत्संग करो और वचन सुनो, चित में धरो जो वो कहे वो करो।